केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मानहानि मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने सीएम गहलोत को समन तो जारी नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं जांच की निगरानी दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को सौंपी गई है। इसमें कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ये रिपोर्ट दे कि अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले में आरोपी कहकर संबोधित किया है कि नहीं। राजस्थान के उदयपुर में धर्म संसद के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन जी ठाकुर के बयान को लेकर उदयपुर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बता दें कि मामला उदयपुर के हाथीपोल थाने में धारा 153 के तहत दर्ज किया गया। दोनों पर ही धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा। राजस्थान में गहलोत सरकार ने अंतरजातीय विवाह को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। खबरों के मुताबिक सीएम गहलोत ने इंटरकास्ट मैरिज पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का ऐलान करते हुए अब राशि को 10 लाख रुपए कर दिया। बता दें कि पहले इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाते थे। प्रदेश में डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर योजना के अंतर्गत अंतर जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसके तहत सरकार अब विवाहित जोड़ों को 10 लाख रुपए राशि देगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कुंभलगढ़ पर दिए गए बयान के बाद उदयपुर में बाबा के खिलाफ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। बाबा पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद उदयपुर के हजारों युवाओं ने उनके समर्थन में प्रदर्शन किया। वहीं चौराहों पर प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए बाबा पर इस कार्रवाई को गलत बताया। इसके अलावा 24 मार्च को कुंभलगढ़ में गिरफ्तार किए गए 5 लोगों को छोड़ने की मांग भी की गई। राइट टू हेल्थ के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर अब गहलोत सरकार ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। खबरों की माने तो जिला कमिश्नरेट ने जयपुर के सभी पुलिस थाना अधिकारियों को पत्र लिखकर उनके क्षेत्र में आने वाले प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी मांगी। इसके अलावा सूचना में अस्पताल और संचालक का नाम भी मांगा है और अस्पतालों में बेड के बंद या चालू होने की स्थिति भी मांगी गई है। पच्चीस मार्च को राजस्थान एनएसयूआई ने राहुल गांधी के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और गौतम अडानी के मुखौटे पहनकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने कहा कि देश के युवा आज अपने राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर हैं और केंद्र की मोदी सरकार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। भरतपुर की एक महिला आर्टिस्ट ने पर्यटन विभाग के क्लर्क के खिलाफ मथुरा गेट थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया। महिला का आरोप है कि क्लर्क महिला से कहता है कि अगर उसे काम चाहिए तो उसे इज्जत और रुपया दोनों देने होंगे। इसके अलावा महिला ने आरोप लगाया कि उसने उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो क्लर्क विशाल माथुर ने उसका कोई काम नहीं किया। गुलाबी नगरी राजधानी जयपुर में राजसी ठाटबाट के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई। बता दें कि गणगौर की सवारी सबसे पहले पूर्व राज परिवार के सदस्यों ने की। इसके बाद पूरे शहर में गणगौर की शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं पूरे प्रदेश में गणगौर की सवारी खास मानी जाती है, जिसे देखने विदेशी मेहमान भी गुलाबी नगरी पहुंचे। राजस्थान के जैसलमेर में एक मिसाइल मिसफायर की घटना सामने आई। बता दें कि पोखरण रेंज फायरिंग फील्ड्स में सेना के जवान प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी गलती से मिसाइल मिसफायर हो गई। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, मिसाइल हवा में ही विस्फोट हो गई और इसका मलबा पास के ही खेत में जा गिरा। वहीं सेना ने एक बयान में बताया कि इस दौरान कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।